जब तक मेरी सजा पूरी ना हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सर क्या बातें कर रहे हैं आप, किस बात की सजा? कुछ नहीं हुआ है। मैंने झरना को मारा है, उसकी जान ली है मैंने। अरे सर कुछ भी नहीं हुआ, भाभी बिल्कुल ठीक है। मैंने सितारा का ऐसा बंदोबस्त किया है कि उसका फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। किसी भी फिल्म से अगर सितारा का नाम वाबस्ता होगा तो उस फिल्म का वही हाल होगा जो फरहाद की फिल्म का हुआ था। इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे तो मैं चाह रही थी कि हो सके तो कुछ काम दिलवा दो मुझे। तुम पर तो मनहूस होने का ठप्पा लग चुका है, कोई काम नहीं देगा अब तुम्हें। अब्बा तो ये कहना चाह रहा है कि मैं लोगों के हकीकों पर नाचूं। वो सितारा जिसे फरहाद सेठी जैसे डायरेक्टर ने अपनी इतनी बड़ी फिल्म में चांस दिया, वो सितारा जो मुल्क के सबसे रंगीन रिसाले में अपना इंटरव्यू देती है, वो चार पैसों की खातिर इन जाहिल गवार लोगों के हकीकों पर नाचूंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा अब्बा। अगर तू फिल्मों में नाचती तभी तो तरह तरह के लोग तुझे नाचते हुए देखते, सीटियां बजाते, सिक्के उछालते, तभी तो तू चार पैसों के लिए एक नाचने वाली बनती। तू नहीं समझेगी कि फिल्म की हीरोइन बनना क्या होता है और ये मेले ठेलों में मुजरे करने वाली क्या होती है। अब्बा को कहते ना मेरे रास्ते में मत आए और मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश भी मत करे। रातों रात ऐसी जगह चली जाऊंगी कि अब्बा चाहेगा भी तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर अब तक गई क्यों नहीं ऐसी जगह पर? दो हफ्ते से किसका इंतजार कर रही थी? पंछिते परदेसी हो, पंछिते परदेसी हो, पंछिते परदेसी जाके नहीं आंदे सोनिए ना जावे दिल लाके। अप्पू भाई मैं मर गया, इतने अरसे के बाद तुझे देख रहा हूँ, कहाँ गायब हो गई तू? हाँ बैठ बैठ जा, कहाँ चली गई थी तू? मैंने कहाँ जाना है, स्टूडियो के बाहर खाक छानती रहती हूँ। चलो शुक्र है रोशनियों की दुनिया में किसी ने तो मुझे पहचाना, वरना मुझे देख के तो लोग मुंह फेर लेते हैं, जान भी जाए ना तो अनजान बन जाते हैं। छोड़ दफा कर इन लोगों को, इनके दिल तो रोशनियों की चका चौंक से अंधेरे में डूब चुके हैं। एक बात बताऊं तुझे मैं इस इंडस्ट्री की, सितारा अगर तेरी फिल्म भी रिलीज हो जाती ना तो तूने मुझे भी नहीं पहचानना था। ऐसा नहीं है पप्पू, गरीब गरीब को देख के दूर से पहचान जाता है। जब तक गरीब गरीब रहता है पैसा आने के बाद असल पहचान होती है आदमी की। खैर पैसा तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो रोटी के लाले पड़े हुए, समझ नहीं आ रही क्या करूं। हाय वक्त भी क्या रंग दिखाता है, फरहाद साहब को पता नहीं कौन सा सदमा पहुंचा, अपने होशो आवाज ही खो बैठे हैं वो। अभी हम लोगों को फरहाद सर की बड़ी जरूरत है। अब तो लोग मुझे देख के ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे मैं कोई भूत हूं। एक फिल्म क्या बंद हुई, सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसे ना बोल मेरी जान, ये जगह ही ऐसी है, आंखें माथे पे रखने में किसी को अर्श से फर्श में लाने में एक मिनट में देर नहीं लगाते। मेरी मान ना, तो
तू जरा अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के देख। क्या मतलब, क्या बदलूं सोच को? देख, तू अब भी जाती होगी लोगों से हिरन का रोल मांगती होगी, अब वो तेरी पहले वाली कहानी नहीं रही। अब तुझे अपने आप को बचाना है, अपने नाम को बचाना है। छोटा मोटा रोल भी मिलता है ना, भाभी का, बहन का, कोई साइड रोल तवाइफ का, कर ले, मगर स्क्रीन से आउट ना हो, ये इंडस्ट्री बड़ी जालिम। लेकिन पप्पू, मैंने अपनी शुरुआत तो हीरोइन से की है ना। शुरुआत तो जब की होती ना, अगर वो फिल्म आगे चलती वो तो ठप होके रह गई। किसको क्या पता कौन है सितारा, चार दिन आई स्टूडियो में और अपना नाम करके चली गई। यहाँ पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए काम करना पड़ता है। इससे पहले कि स्टूडियो के चौकीदार भी तुझे अंदर ना घुसने दे, काम पकड़। चल मैं तेरी मान के कोई छोटा मोटा काम कर भी लेती हूँ, कि मेरी कोई बात सुने तो मुझे काम मिलेगा ना। कई कई घंटों स्टूडियो के बाहर खड़ी रहती, कोई बात ही नहीं सुनता। आज तो जैसे तैसे करके आग बचाकर अंदर आ गई तुझसे मिलने। तू फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर मेरी जान, मैं ढूंढता हूं तेरे लिए काम। अच्छा ये बता, खाना खाया तूने? चल स्टूडियो कैंटीन में खाना खिलाता तुझे। मजनू के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी ना तो भूल जाएगी सारे खानों को। अच्छा अब रोना धोना बंद करना, रोना तेरे साथ सूट नहीं करता। कुलसुम, कुलसुम, सुरैया के अब्बा देखना इसकी सांस तो चल रही है ना। अस्सलाम वालेकुम। कुलसुम, कुलसुम मेरी बच्ची। क्या हुआ कुलसुम को? पता नहीं क्या उल्टा सीधा खिला दिया है तेरी माँ ने, इसकी ये हालत हो गई है। मैं माँ हूँ, डायन तोड़ी हूँ मैं। मुझे पता होता तो मैं इसको वो खाना खाने के लिए तोड़ी देती। कौन सा खाना, कहाँ से लाई थी अम्मा? दाल दलिया भी तो चलाना घर वालों का, तुझे तो कोई काम नया मिल नहीं रहा। एक औरत है उसका बच्चा पैदा हुआ, उसने बोला देखभाल के लिए आ जाना मेरे घर में, चार पैसे भी दूंगी, खाना भी दूंगी खाने के लिए। बस वही वाला खाना दिया था मैंने इसको। अब इसे कहानियां सुनाती रहेगी या इसको लेके चले अस्पताल? इसको ये सुनाने का कोई फायदा नहीं है, इसकी बला से हम जिए या मरे। और चल तू निकल मेरे साथ, इसको यहीं बैठ के हीरोइन बनने के ख्वाब देखने दे। चल उठा इसे। अब मैं भी साथ जाऊंगी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, चलो उठ बेटा। मेरी बच्ची होश कर। शाबाश, लेके आ इसे। स्क्रिप्ट में जो लिखा है ये वो बात ही नहीं है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इस सीन में लिखा है कि ये ऐसे करके ऐसे शूट हो रहा है। जैसे लाइट मारोगे तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं चाह रहा हूँ ये स्क्रिप्ट के मुताबिक जो लिखा है कि हीरोइन जो है यहाँ चल के आती है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रेम ऐसे पैन करके हाँ फरहत, मैं झरना तुम्हारी बीवी। शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ फरहत, तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने आई हूँ।
तुम तो मर चुकी हो। स्क्रिप्ट में तुम्हारा रोल खत्म हो गया है, अब तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं। फरहाद ये क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, वापस आ जाओ। फरहाद मैं तुम्हारी झरना हूं, तुम्हारे बच्चों की मां। इधर देखो मेरी तरफ। सलीम वापस आ जाओ, लौटो। सलीम कितनी बार तुम्हें कहा है कि सेट में गैर जरूरी लोगों का आना बंद करो। सितारा कहां है? अरे मैं ऐसे कैसे शूटिंग कर सकता हूं? खाली करो सेट। और कहां है सितारा? कब से उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। बुलाओ, मुझे सीन शुरू करना है, जल्दी करो। सलीम, सलीम को बुलाओ। सलीम, सलीम जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं। पता नहीं कहां चला जाता है सलीम। सलीम को बुलाओ। सलीम, मैं शहजादा सलीम। सलीम, सलीम को लेके आओ। सलीम को जहर फैल गया है उसके जिस्म में, ऑपरेशन होगा। तो अब्बा तू घर क्यों आ गया, हॉस्पिटल में रहता ना। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। तेरे साथ चलने से डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर देगा, उसे पैसे चाहिए, पैसे। इसको ये सुनाने का कोई फायदा नहीं है, इसकी बला से हम जिए या मरे। इसको यहीं बैठ के हीरोइन बनने के ख्वाब देखने दे। अब्बा कलसुम कैसी? बहुत बुरा हाल है। क्या कह रहे डॉक्टर? खुदा समझे इन कमीने लोगों को, खाने में कोई जहरीली चीज गिर गई है, उठा के गरीब को एहसान करने के लिए दे दिया, जैसे गरीब पे तो जहर असर ही नहीं करेगा। जहर फैल गया है उसके जिस्म में, ऑपरेशन होगा। तो अब्बा तू घर क्यों आ गया, हॉस्पिटल में रहता ना। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। तेरे साथ चलने से डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर देगा, उसे पैसे चाहिए, पैसे। मैंने तो कहा तेरी माँ को उठा इसे घर ले चल, अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने से तो बेहतर है माँ की गोद में सर रख के मर जाए। लेकिन वो बेवकूफ औरत जिद लगा के बैठी है, वही नंगे फर्श पे बैठी है और कह रही है मुझे पैसे ला के दे। अब मैं कहां से पैसे ला के दूं, घर में कोई चीज भी नहीं है बेचने लायक। अब्बा मुझे काम नहीं मिल रहा, वरना मैं कुछ इंतजाम कर लेती। हाँ तुझे तो कोई काम देता नहीं है, पैसे क्या खाक देगा। मैं गया था अपने उसी दोस्त के पास, लेकिन उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई वो मुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। हाँ मतलब पेशगी के तौर पे दे सकता है कुछ। पेशगी? और तुझे बताया तो था जमींदार के घर अकीके के फंक्शन का। कितने कितने पैसे देगा? और इतने पैसे तो दे ही देगा कि ऑपरेशन हो जाए। हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे ना डॉक्टर को देने के लिए, वो ऑपरेशन तो शुरू करेगा ना। और मेरा दोस्त बता रहा था ऐसी महफिलों में ना जितने पैसे तय होते हैं ना
उससे दुगने तो मेहमान खुश होकर दे देते हैं। हो सकता है तेरे पास वापसी में कुछ ज्यादा पैसे हों। अब्बा तू जा हॉस्पिटल, वापसी में मुझे अपने दोस्त की तरफ छोड़ दे। होए हो गया काम, शाबाश। तो वजंती माला से भी कोई आगे की चीज बन सकती है। तू जो बनना चाहती है ना, मैं तुझे बनाऊंगी। आसमानी फिल्म का सितारा बनाऊंगी मैं तुझे। जिंदगी तुझे इतना बड़ा मौका दे रही है, लोगों की तो जिंदगियां खत्म हो जाती है तो स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े खड़े। तुझे तो स्टूडियो का गेट भी नहीं पार करना पड़ा, मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर फरहाद सेठी के सेट पे खड़ा कर रही हूँ। स्टार हो तुम, स्टार स्टार की तरह जीना सीखो। अब बहुत आगे जाना है तुम्हें।
अगर तेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर क्यों फरहाद के कदम बढ़ने दिए अपनी तरफ? मैंने उसे कभी इस तरह बिलख बिलख कर रोते भी नहीं देखा, इतना बेकल नहीं देखा। तूने उसे पागल कर दिया है, पागल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे जोर को बचा ले। बहुत एहसास है, जो तीर तूने अपनी जबान से उस पर बरसाए वो नहीं सह पाएगा, वो टूट जाएगा। क्या कहते हैं लोग कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिस औरत ने मां बन के पाला उसके घर में डाका डाल दिया। सुन लेती सब साहब जी, अगर आपका दिल ना तोड़ती, अगर मुझे पता होता साहब, माफ करते मुझे। मैं बाजी से मिलने आई, ठीक तो है ना? दफा हो जाओ यहां से और अपनी नहुसत को बाजी और साहब जी से दूर रखो। फरीदा चली जाऊंगी मैं, बल्कि मैं तो जा चुकी हूं। सिर्फ इतना बता दे, बाजी और साहब जी ठीक तो है ना? जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, दोनों तुम्हारी लगाई हुई आग में जल रहे हैं। साहब जी पर पागलपन के दौरे पड़ रहे, पागलखाने में दाखिल हो चुके हैं, और बाजी बिचारी, उनकी जिंदगी में तो रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें बताऊं। मुझे एक बार बाजी से मिलने, तुम्हें बाजी से मिलने दो? बाजी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही। दफा हो जाओ अपनी ये मनु शक्ल लेकर, और दोबारा इस घर में कदम ना रखना, अगर इतनी सी भी शर्म है। चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहां से निकालूं। साहब जी, साहब जी,
सीन चल रहा है। मुझे माफ कर दे साहब, मैं तो ये चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ कोई मुश्किल ना पहुंचे, मगर मुझे क्या पता था कि आप मेरी वजह से इतनी तकलीफ में आ जाएंगे। साहब जी, मैं आपके और बाजी के दरमियान नहीं होना चाहती, अगर फिर भी आप दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से दूर हो गए, माफ कर दें मुझे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तुम तो वैम्प निकली। मैंने तो तुम्हें हीरोइन बनाया था, लेकिन तुम तो असल में वैम्प हो। मुझे क्या पता था साहब जी कि ये सब हो जाएगा। पता होता तुम्हें बुरी बन जाती, बाजी की नजरों में गालियां खा लेती, उनसे बद्दुआएं सुन लेती, सारे जमाने की नान तान सुन लेती। साहब जी, क्या कहते लोग कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जिस औरत ने मां बन के पाला उसके घर में डाका डाल दिया, सुन लेती सब साहब जी, मगर आपका दिल ना तोड़ती। अगर मुझे पता होता सा, माफ करते मुझे। वाह सितारा वाह, अरे तुमने तो कमाल की परफॉर्मेंस दे दी, तो सबिया से भी आगे निकल गई, नैयर सुल्ताना से भी बेहतर परफॉर्मेंस। वाह वाह वाह, तालियां तालियां शूटिंग चल रही, रोलिंग एक्शन। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, अब होगा क्या? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। सर ठीक तो हो जाएंगे ना, डॉक्टर क्या कहते हैं? दुनिया का कोई भी डॉक्टर तब तक मरीज को ठीक नहीं कर सकता जब तक मरीज खुद ना चाहे। मुझे तो लगता है फरहाद ठीक होना ही नहीं चाहता, वो होश की दुनिया में वापस नहीं आना चाहता, वो भी उस मामूली लड़की के लिए। उस लड़की के खातिर उसने अपना करियर, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, हद तक दुनिया को भी दांव पे लगा दिया है। भाभी माशाल्लाह आप काफी समझदार हैं, आपको दुनिया की सूझबूझ है, आप ही ये फिल्म मुकम्मल करवा दें। सलीम तुम पागल हो गए, तुम मुझे इन हालात में कह रहे हो जिनमें मेरा अपना दिमाग माउफ हो चुका है कि मैं फिल्म मुकम्मल कर दूं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूं कि इतना बड़ा घर और बच्चे मैं कैसे संभालूंगी अकेले।
भाभी तो ये फिल्म कैसे मुकम्मल होगी? तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई सलीम, और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा शौहर फरहाद घर कब वापस आएगा। पता नहीं वापस आएगा भी कि नहीं। हाय, मैं नहीं कहता था ये घाटे का सौदा नहीं है। देख, सारे खर्चे निकाल के ढेर सारे पैसे बच गए। कुलसुम की माँ, ये पैसे रख ले, कुलसुम की दवा दारू के काम आएंगे, फिर उसके लिए फल वगैरह भी तो लाने हैं ना। कहीं जा रही है क्या तू? वहीं जा, रोज जाती हूँ। एक दो लोगों को काम का कहा है, हो सकता है कोई बात बन जाए। और बेटी, तुझे दर बदर फिरने की क्या जरूरत है, है? देख तो, तूने धूपों में फिर फिर के और स्टूडियो के गेट पे खड़े होके अपनी रंगत चला ली है सारी। मरते हुए आदमी को मुर्दार भी हलाल होता है अब्बा। मजबूरी के आलम में मैंने कर तो लिया है, मगर ये मत समझना कि तू मेरा रास्ता खोटा कर देगा। मेरा रास्ता सीधा फिल्म के पर्दे पर जाता है, और तुम लोगों का पेट भरने की खातिर मैं अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटूंगी। ओए नौमन, तेल हो ना हो, राधा तो नाचेगी। मैं नचाऊंगा उसे। पैसे में बड़ी ताकत हो, निकाल पैसे, सारे रख लिए। दे, चाय पीजिए। बताना पप्पू, काम मिला मेरे लिए? यह तो सही, लेकिन मुझे तुझे बताते हुए बड़ा डर लग रहा है। मुझे लगता है अभी भी तेरे दिल के अंदर ना फरहाद सेठी की हेरोइन छुपी हुई है। हो सकता है तुझे वो काम छोटा लगे, पर मेरी जान, ये जो स्टूडियो लाइन है ना, ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, किसी को बुलाने में एक मिनट की देर नहीं लगाते। हाँ, ये बात तुझे दिल से मानने में भी कुछ वक्त लगेगा। ये सच्चाई तो मेरे सामने खुल चुकी है पप्पू, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तू जो भी काम बताएगा मैं कर लूंगी, कम से कम वो उससे तो अच्छा होगा जो कल रात मैंने किया। फिल्म में अदाकारी तो कर रही है। हाँ, है तो फिल्म में, फिल्म में हीरोइन की सहेली का रोल है, मतलब तू इनकार करने वाली है? पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ, पैसों के बगैर यहाँ कौन सा काम होता है। लेकिन एक बात है, पैसों के साथ साथ तुझे अपनी पहचान बाकी रखने में भी मदद मिलेगी। छोटे मोटे रोल करती रहेगी ना तो स्टूडियो में आना जाना लगा रहेगा, तू लोगों की नजरों में भी रहेगी। बंदा स्क्रीन से गायब ना हो, कहीं से भी गायब हो जाए। एक बात बताऊं तुझे, चरना बीबी ने तुझे बहुत कुछ सिखा कर भेजा। मुझे पता है आगे बड़ा काम आने वाला है। कल सुम, सुबह शूटिंग पे जाना है मुझे, इस्त्री कर देना शर्ट। इस्त्री अब कहाँ रही? क्यों, घर के साथ जरूरत की जो चीज थी वो सब लेके दी थी, इस्त्री भी तो थी उसमें। जिस घर में दो दो चरसी बैठे हों वहाँ कोई चीज रह सकती है भला? अनवर या अब्बा में से किसी का दाव चला होगा जिसने उसे बेच के अपने दो दिन का नशा पूरा कर लिया होगा। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ला दी, मैं कुछ ना कुछ करके बगैर इस्त्री के भी सिलवटें निकाल सकती हूँ। हाँ, जरा एहतियात से इस्त्री करना, झरना बाजी ने मुझे दी थी, चटागोंग से लेकर आई थी, खालिस रेशम की है, सुबह शूट पे यही पहन के जाऊंगी। और ये देख, दुपट्टा कितना खूबसूरत है इसका। मैंने सुना है तुझे फिल्म में काम मिल गया। हाँ, तूने बताया क्यों नहीं मुझे? अब पता चल गया ना। चलो अच्छा है, रिजेक्ट जिधर से भी आए ना, मोड़ना नहीं चाहिए। हर तरफ से तुझ पे रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं, और मेरा दोस्त बता रहा था तुझे बहुत बड़ी पार्टी में मुजरे पे बुलाया है। अब मैंने तुझे सुबह भी कहा था कि मैंने जो किया है मजबूरी में किया है,
अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए, मगर अब तुम लोग मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं सारी जिंदगी इन वडेरों और जिम्मेदारों के सामने नाचती फिरूंगी तुम लोगों का पेट भरने के लिए। मुझे फिल्म मिल गई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तूने मेरी बात गौर से नहीं सुनी, मैंने कहा था रिस्क जिधर से भी आए मोड़ना नहीं चाहिए। हाँ भाई, तू फिल्में बेशक करती रहे, हफ्ते में एक आध मुजरा भी फुड़का दिया कर। भाई नाचना तो इधर भी है और नाचना उधर भी है। अब बार बार एक बात करने की क्या जरूरत है, बोल दिया ना नहीं करना तो नहीं करना। फिल्म की हीरोइन का कोई नाम होता, मकाम होता, उसकी कोई इज्जत होती है। अब कल को मैं फिल्म के पर्दे पे आऊंगी, कोई मुझे देखेगा तो कहेगा अरे ये तो वही लड़की है जो 100-100 रुपए के लिए मुजरे करती फिरती थी, जिसका दिल चाहता था इसका हाथ पकड़ लेता था, तो फिर क्या इज्जत रहेगी मेरी, मिलेगी मुझे अगली फिल्म? बस कह दिया ना अब्बा, मेरा दिमाग ना खा। वैसे है ये नाशुक्रपन। लोग आ गई हीरोइन, इसको मैंने शायद फरहाद सेठी के घर में देखा था, नौकरानी थी ना वहां पर। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए यूं नाचती जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो वक्त की रोटी खाने के लिए मैं अपना आप भी पेश कर दूं। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है।